Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy कोई से फोन को मार दे, मैं नहीं मार रही, दोगे जंगलियो. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many. यार इसमें से इतना धुआं निकल रहा है. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खुश वरम रहें सब लोग. और आज हम बना रहे हैं, टाइम हो रहा है 1:22 AM और डेट है 10 और 10 अप्रैल, जो कि मेरी फेवरेट डेट है हमेशा से. और मैं बनाने जा रही हूँ केक. किसके लिए बेक करूँगी मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में. और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे सामने हैं. हमने लिए हैं 4 अदद एग और शुगर ली है हमने. शुगर को हमने कितने ऐड करने हैं क्वांटिटी आपको बताएंगे. इसके साथ चॉको पाउडर लिया है क्योंकि चॉकलेट केक बनेगा. और इसके साथ ही हम मैदा लेंगे, ठीक है. तो वनीला एसेंस भी है हमारे पास पड़ा हुआ. तो शुरू करते हैं बेक करना केक विदाउट ओवन और चलिए देखते हैं कैसा बनता है. रहमान रहीम, तो हम इसमें ऐड करेंगे शुगर 6 खाने के चम्मच एंड 6. और इसको हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे. अच्छी तरह हम इसे बीट कर लेंगे. इसको हमने अच्छी तरह बीट कर लिया है. और अगर आप ऐसे मैन्युअली बीट नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ग्राइंडर में डाल के आप इसे 3 से 4 मिनट तक चला लें और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा. 6 टीस्पून हम इसमें ऑयल की ऐड करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6. वन टीस्पून हम वनीला एसेंस की डालेंगे ताकि हम. इसके साथ ही हम 6 चम्मच दूध की ऐड करेंगे. और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. इसके साथ ही हम 6 चम्मच इसमें मैदे के ऐड करेंगे. इसको हम छान लेंगे. चम्मच की मदद से इसे हम साइड से ये उतार के फिर इसे हम बीट करेंगे. बैटर हमारा रेडी हो चुका है. इसको हमने ऐसे ही बीट करना है कुछ सेकंड्स के लिए मज़ीद. और फिर एक बाउल में बटर पेपर रख के डाल लेना है. वन टीस्पून इसमें हमने बटर ले लिया है, वो लगा लिया है. आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं. अब इसको हम इसमें डाल लेंगे.
देखिए बहुत ही प्यारा माशाल्लाह रेडी हुआ है, बेक हो गया और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको हम एक ही डायरेक्शन में सेट कर लेंगे। हमने इसमें नमक ऑलरेडी ऐड कर लिया था और ये नमक आप दोबारा किसी भी यूज़ कर सकते हैं। तो नमक हमारा गर्म हो चुका है, अब इसे हम स्टैंड रख के ऊपर हम इसमें अपना बेकिंग बाउल रख देंगे। इसको अब हम ढक लेंगे ढक्कन के साथ और 40 मिनट तक हम इसे ढका रखेंगे और उसके बाद खोलेंगे। आफ्टर 40 मिनट्स हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया है। फर्स्ट 20 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे रखा है, फिर 20 मिनट्स हमने लो फ्लेम पे रखा है। तो हमारा केक अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। रात के बज रहे हैं कोई शायद 2:30 हो रहे थे। तो मेरे तमाम तर पार्टनर्स सो चुके हैं, तो मैंने ये सब अकेले करने की थोड़ी मिस्टेक्स भी आपको नज़र आएंगी। केक हमने निकाल के इसे एक प्लेट में रख दिया है और अब इसे बटर पेपर हटा देंगे, रिमूव कर देंगे हम। केक स्पॉन्ज हमारा रेडी हो चुका है और इसको अब हम दरमियान में से काट लेंगे और 2 टुकड़े कर लेंगे ताकि इसमें हम इसको रेडी कर सकें। इसको हमने दरमियान में से काट लिया और कटिंग में आपको दिखा नहीं सकी बिकॉज मैं अकेली थी, तो छुरी की मदद से काटा है और दरमियान में से दोनों को हमने काट लिया है। अकेली थी तो फिर मेरे साथ कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था जो मैं आपको क्लियरली दिखाती, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर दी। इस पर हम स्ट्रॉबेरी जैम लगा देंगे, जो कि मेरे चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी स्ट्रॉबेरी जैम की, होममेड है और बहुत अच्छा है। इस दरमियान में से काट के इस पर स्ट्रॉबेरी जैम लगाएंगे। उस स्ट्रॉबेरी जैम लगाने के बाद हम इस पर व्हाइपिंग क्रीम लगा देंगे, उसकी लिंक भी इंशाल्लाह जल्द आपको चैनल पर रेसिपी मिलेगी, होममेड है वो भी, और वो लगाई है मैंने। क्रीम लगाने के बाद इसको मैंने जो इसका स्पॉन्ज अलग से कटिंग करके रखा हुआ था मैंने दूसरी प्लेट में, वो इसके ऊपर रख देना है। और वॉइस ओवर भी मैं इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास नहीं है कोई ताकि मैं बोलती और वो फिर सारी अरेंजमेंट्स होती, इसलिए। तो इस पर मैंने चॉकलेट लगा दी है और चॉकलेट भी होममेड है, वो भी मैं रेसिपी इंशाल्लाह जल्द आपको मिलेगी चैनल पर। तो ये हमारा केक रेडी हो चुका है और अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, इंशाल्लाह मॉर्निंग में इसे गार्निश करेंगे। और मॉर्निंग में मैंने इसे बंडीज के साथ और क्रीम के साथ गार्निश किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी हुआ है। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।